वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश दाल विद तड़का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें माश दाल विद तड़का बनाने के लिए किन किन चीजों की। हमने माश दाल 250 ग्राम ली थी, जिसे हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था, और फिर एक टीस्पून नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया है। हमने दो मीडियम साइज के टमाटर लेके इसे जो है वो ग्राइंड कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और इसको चॉप कर लिया है। हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी ली है। आप अगर चाहें तो नमक मिर्च को हसबे जायका कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। हमने 6 से 7 दाने जो हैं वो साबुत काली मिर्च के लिए हैं, और 5 से 6 दाने जो हैं वो लौंग के लिए हैं। हमने 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर लिया है। हमने 1 से 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो कि काट लिए, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे बीज के समेत भी रख सकते हैं। हमने धनिया लिया है जो कि हमने चॉप कर लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून, और हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने पतीली में तेल डाल दिया है 1/4 कप, और अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। मैंने जो लौंग और साबुत काली मिर्चें ली हैं वो मैं तेल में डाल दूंगी। और अब मैं इसे गर्म होने दूंगी ताकि थोड़ी सी फूल जाए। आज थोड़ी सी टेस्ट कर रही हूँ। हमने मीडियम फ्लेम रखा है, अभी इसमें गर्म हो गई है जो हमने काली मिर्च और लौंग डाली थी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। हमने जो एक प्याज चॉप करके रखी थी मीडियम साइज की, हमने वो भी इसमें डाल दी है, और ये लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बजाय जो है वो लहसुन अदरक कूट चॉप करके भी डाल सकते हैं। हमने जो इसमें प्याज डाली थी वो लाइट गोल्डन हो गई है, और अब हम इसमें सारी हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। और इसे 1 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्च इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए।
हमने जो 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, अब वो हम टमाटर डालेंगे इसमें। हमने बहुत ही आराम से डालना है क्योंकि ये उड़ेगा। अब हम जो है वो इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने इसमें जो टमाटर पेस्ट डाला है, हमें इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने जो नमक, मिर्च और हल्दी ली थी वो हमने इसमें डाल दी है और अब हमने इसे मिक्स कर दिया है। और अब हमने जो बॉईल की हुई माश की दाल ली थी, हम वो डालेंगे इसमें। और अब हम इसे बहुत ही आराम से इसमें मिक्स कर देंगे। हमने जो दाल डाली थी उसे बहुत ही आराम से मिक्स करना है क्योंकि बॉईल हुई है तो ये टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ना ही हम इसे ज्यादा चम्मच चलाएंगे। हमने सारी माश की दाल जो है वो मिक्स कर दी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें 1 कप पानी की जरूरत है तो इसलिए हम 1 कप पानी डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे, एक दफा चम्मच चलाएंगे इसमें। और हमने जो गरम मसाला पाउडर लिया था, हम वो गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे। और जो हमने हरा धनिया काट के रखा था वो सारा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। हमने दाल में जो है वो पानी, गरम मसाला पाउडर और जो है वो धनिया डाल दिया है। हमने धनिया काट के रखा हुआ था वो डाल दिया इसमें, अच्छी तरह सबको मिक्स कर दिया है। अब हम इसे जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो दम पर रखेंगे, इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसे दम पर रख देंगे। और फिर दम पे रखने के बाद हम 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि इसमें जो पानी हमने डाला है वो पानी खुश्क हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारी दाल तो बॉईल हुई हुई है तो इसलिए हमें दाल को पकाना नहीं है। और ये ऐसे ही बहुत जल्दी खाना बन जाता है, इस तरह आप दाल बॉईल करके बनाएं ये बहुत जल्दी बनेगा। दाल में जो है वो उबाल आ रहा है और अब जो है वो हम इसकी दम वाली आंच करके इसे दम पे रख देंगे। और अब जो है वो हम इसे दम पर रख रहे हैं। अब हम 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमने दाल को दम पर रखा था, तो चलिए आप चेक करते हैं कि दाल का पानी जो है वो खुश्क हुआ या नहीं।
और अब जो है वो हम इसे चम्मच से, दाल का सारा पानी खुश्क हो गया। देखें हमने जो दाल बनाई थी माश दाल वो तैयार हो गई है। और अब जो है वो हम इसमें तड़का लगाएंगे, जो कि वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें तड़का लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो अभी हम स्टोव बंद कर रहे हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम तड़का किस चीज से लगाएंगे। हम दाल में तड़का लगाएंगे, हमें दाल में तड़का लगाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने जो है वो 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, जो कि मैं इसमें डाल दूंगी। जो आपको साबुत लाल मिर्चों की खुशबू आने लगे और इसका रंग भी चेंज हो जाए, तो फिर हमने जो सफेद जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, वो 1/2 टीस्पून हम सफेद जीरा इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसे इस तरह। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमने 1/4 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च ली है, वो भी हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो हमने जो दाल पे तड़का लगाया था वो तड़का तैयार हो गया है और अब हम जो है वो इसे दाल में डाल देंगे। हमने जो तड़का लगाया था वो सारा तड़का अब हम इसमें डाल देंगे दाल में। और इसे जो है वो मिक्स कर देंगे। तो हमने जो माश की दाल विद तड़का बनाया था वो तैयार हो गया है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है, हमने जो माश दाल विद तड़का बनाया था वो तैयार है। मैंने इस पे धनिया और जो है वो अदरक से गार्निश किया है इसे, और आप इसे चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।